खेल संग्राम में आपका स्वागत है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जा रहा है। अपना 500वां टेस्ट खेल रही टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सेंटनर ने टीम इंडिया को 42 के स्कोर पर पहला झटका दिया। ओपनर लोकेश राहुल 32 रन बना सेंटनर की गेंद पर वॉटलिंग के हाथों कैच हुए। हालांकि इसके बाद चेतेश्वर पुजारा और मुरली विजय ने दूसरे विकेट के लिए 112 रन जोड़े। 62 रन पर खेल रहे चेतेश्वर पुजारा को सेंटनर ने अपनी ही गेंद पर कैच कर पवेलियन लौटाया। कप्तान विराट कोहली सिर्फ 9 रन बना वॉगनर की गेंद पर सोढ़ी को कैचते बैठे। वही 65 रन की पारी खेलने के बाद मुरली विजय इस सोढ़ी की गेंद पर वॉटलिंग को कैचते बैठे। अजिंक्य रहाणे 18 रन बना क्रेक का शिकार बने। वही रोहित शर्मा को 35 के स्कोर पर सेंटनर ने सोढ़ी के हाथों कैच करा चलता किया। रिद्धिमान सहा 0 और मोहम्मद शमी बिना कोई रन बनाए बोल्ड की गेंद पर बोल्ड हुए। 40 रन बनाकर खेल रहे अश्विन को भी रोस टेलर के हाथों कैच करा बोल्ड ने टीम इंडिया को 8वां झटका दिया। इस तरह पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने पहली पारी में 9 विकेट पर 291 रन बनाए। उमेश यादव 8 और जडेजा 16 रन बना क्रीज पर है। न्यूजीलैंड के लिए बोल्ड और सेटनर ने सबसे ज्यादा 3-3 विकेट झटके। दूसरे दिन का खेल अब से कुछ ही मिनटों में शुरू होगा। ऐसे में देखना होगा कि टीम इंडिया का आखिरी विकेट कब गिरता है और क्या न्यूजीलैंड के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों का सामना कर पाएंगे। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए खेल संग्राम।